क्यों नहीं मिल पा रहा? अब जिस तरह की सरकारें यहाँ जमा हो रही है और जिस मनुवादी सरकारें यहाँ पे सत्तारूढ़ है, उन बैटरी का ब्राह्मणी का सत्ता है और जो पुरुषत्तात्मक सत्ता है यहाँ पे जमा हो रही है उनकी सत्ता है, तो कैसे हम लोग को आज़ादी मिलेगी? पितृ सत्ता से आजादी तो कैसे आएगी? थाली बजाने से कुछ तो जगेंगे, कुछ तो जगेंगे। अध्यक्ष हम खेला पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष है। आप तो यहाँ कैसे आ गए? हम यहाँ आ गए कि यह सरकार 5 साल में बनी बनाई कानून 5 साल में पटरी दुकानदारों का लागू नहीं कर पाए। क्या नहीं लागू कर पाए? पटरी लहरी पटरी कानून एक आया था 2014 में, जो 5 साल में बनी बनी कानून को ये लागू नहीं कर पाए, बल्कि उत्पीड़न ज्यादा हो गया। पटरी व्यवसायी 24,000 बनारस में एकदम परेशान है। तो ये तो औरतों के लिए है ना? हाँ, तो औरतें भी हैं उसमें। देखिए ये औरतों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, ये देखिए। ये ठेला वाली औरत है, उसके साथ पुलिस क्या दुर्व्यवहार कर रही है, ये देखिए सर। तो आप ये विद्यार्थियों के साथ कैसे जुड़े? नहीं, हम लोग समाज संगठन में जुड़े हैं, सब लोग एक ही साथ काम करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम चिंतामणि सेठ है, लंका के पंडित व्यवसाय संघ के अध्यक्ष। मनिया मार्च में औरतें आएंगी कि मर्द आएंगे? देखिए, बात यहाँ औरतों और पुरुषों की नहीं है, यहाँ बात अधिकार की है जो संविधान द्वारा प्रोवाइड कराए गए हमें। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 और 17 और 18 के द्वारा जो भी हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं, हम उन अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा समाज है वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देता। जैसे कि अभी हमने जो जिस टॉपिक पे लिया हुआ, ये स्ट्रांग टुगेदर इक्वल राइट बिफोर लॉ, इसका ये सेंस है। लेकिन हमें समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता है, तो हम उन अधिकारों को महिलाओं के अधिकारों से मिलेगा जी, कैसे मिलेगा? इसके लिए हम ये मार्च कर रहे हैं, जिसके द्वारा सरकार आगे आए और महिलाओं के अधिकार के लिए जो है नए नियम और नए कानून बनाए। जैसे कि इसके पहले 1998 में एक केस आया था, उसमें महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को जो है अधिकार प्रदान किए गए थे कि उनको भी पुरुषों के समान जो है जेंडर केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसके लिए सिर्फ JNU ने फॉलो किया गाइडलाइन को, बाकी किसी ने नहीं किया। तो हम वैसी फैसिलिटीज को, वैसी चीज़ों को दोबारा चाहते हैं। BHU में दिक्कत होता है क्या लड़कियों को? BHU में GS कैसे जैसी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध है, जैसे कई मामले पिछले विगत चार पाँच सालों में देखने को मिले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी फॉर्मली इन लास्ट क्लियर एगो जो है जो घटना हुई थी, उसमें ये हुआ कि मुकदमा कहने के लिए चला, लेकिन क्लीन चिट दे दिया गया, जबकि सारे प्रूफ जो है वाइस चांसलर के खिलाफ थे, प्रशासन के खिलाफ थे। इसके बावजूद भी वुमेंस पे जो है लाठीचार्ज किया गया, इसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और उसने उसको क्लीन चिट दे दी गई। तो यहाँ असमानताएँ हैं हमारे समाज में, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गौरव कुमार सिंह। क्या करते हैं अभी? हम छात्र हैं। क्या पढ़ रहे? विनी छात्र हैं। महिलाएं अंदर बजाती थी, मतलब उनकी जिंदगी जो है सिर्फ इतनी तक सीमित थी, मतलब इस पुरुषवादी मानसिकता के तहत अगर हम देखें तो उनकी जिंदगी सिर्फ किचन बिस्तर इतने तक सीमित है। लेकिन अभी के समय में हम लोग बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इसी माध्यम से हमें अपनी आवाज़ इन थालियों के माध्यम से ही वहाँ तक सत्ता तक पहुँचानी है कि हम सिर्फ जो तो वो तो BHU तक ही नहीं पहुँच पाती है, नहीं मानते हैं। करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। अब हम सोचेंगे एक ही बार में और ज्यादा मतलब सुधार हो सकता है, ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते। कहाँ से आवाज़ नहीं बंद करेंगे? घर की तरफ बनना है।
बीएचयू में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कानून अलग अलग है कि बराबर है? बहुत कानून अलग है, चुका तो सीन बहुत ही अलग है। मतलब आप की टाइमिंग वगैरह को तो देख सकते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर के देख सकते हैं क्या है। मतलब अगर हम कुल मिला के एक बात कहें तो बस इतना है कि लड़के जो जितनी शैतानी करते हैं, जो जितने भी मतलब जो अंजाम देते हैं चीज़ों को, उनको और सिक्योरिटी दी जाती है। और जो इस चीज़ से प्रताड़ित है उसको एक कोने में ढकेल करके बोला जाता है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए आप हॉस्टल में बंद रहेंगे। आप अगर ऐसा करेंगे पूरे कैंपस का आपको खुद समझ में आएगा। इसमें माँ बाप साथ देते हैं कि वो भी प्रशासन के साथ हो जाते हैं? नहीं, माँ बाप का तो आप जानते ही है, लड़कियों की परवरिश ही ऐसी होती है। घर में हम लोग देखते हैं कि भाई और बहन के बीच में कितना भेदभाव किया जाता है। मतलब चीज़ें हैं कि घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को तो अपनी आवाज़ बंद नहीं करनी है ना। अभी बीएचयू में पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? मैं अभी महिला महाविद्यालय में इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो ये मार्च में कैसे आना हुआ? ये मेरा मैंने स्वेच्छा से मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता चला है कि वुमेन्स के लिए हम यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। और हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर मतलब महिलाओं को दबा के रखा जाता है, और कहीं ना कहीं हमें अपने घर में भी देखने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अपने आस पास देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मुझे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मतलब लगा ही नहीं कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और लोगों को मतलब मोटिवेट करें कि लड़कियों को दबाया नहीं जा सकता। आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं? हम तो यहाँ पर मतलब बनारस से हैं। बनारस से हैं, क्या पढ़ रही हैं? लाइब्रेरी साइंस। घर वाले बोलते नहीं है कि क्या कर रही हो? लाइब्रेरी में रहो। सितंबर में जो प्रोटेस्ट हुआ था लड़कियों का, उस प्रोटेस्ट में मैं थोड़ा एक्टिव थी, तो मेरे घर पे इस तरह का हुआ था कि मतलब कॉलेज से धमकियाँ मिली थी कि आपको रिसर्च में इनरोल नहीं किया जाएगा और आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे। और जैसा कि हुआ भी है, मैं नेट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा 55% में 0.5% कम कर दिया गया है। जैसा कि कहा गया था कि तुम्हें ऐसा कर दिया जाएगा कि तुम किसी के अंडर में नहीं रहोगी, तुम्हारे मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, और वो सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक लूप होल ढूंढ रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मुझे मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स भी बोले थे कि तुमको मतलब अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या सपा भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करना है? नहीं, नेतागिरी कर रही है, लोग नहीं बोलते? अरे बिल्कुल, ये सारी चीज होती है, लेकिन हम उन पापा हम सबको तो नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि हम लोग किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग का ये अपना अलग संगठन है, मतलब कि हम लोग महिलाओं को जागरूक करें। आपका नाम क्या हो? स्मृति। अरे आप कहाँ आ गए उमनिया मार्च में? बताइए। आज मर्द लोग आजकल उमनिया मार्च में क्या कर रहे हैं? मर्द लोग मर्द को तो दर्द ही नहीं होता सुनने। गैर बराबरी के जितने भी वो हैं, यदि हम संवेदनशील मर्द हैं तो हम तो सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा ना, हम तो किसान हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनका कहना तो जुमला हो जाता है। आपका कहना नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? हम तो लोगों के साथ है ना। कैसे जुड़े हैं विद्यार्थी लोग के साथ? भाई परिवर्तन की चाहत है बीएससी। धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो आएगा ना। देखिए एक सपना है मेरा, हम परिवर्तन चाहते हैं और बीएचयू के विद्यार्थी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम उनके पीछे खड़े हैं। क्या परिवर्तन होगा, कांग्रेस होगा या भाजपा होगा और क्या होगा? अभी तो इस निजाम को बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए इतना ही कहेंगे कि पहला काम कि इस निजाम को बदला जाए। निजाम को बदलना जरूरी है और विकल्प की तलाश। निजाम बहुत ज्यादा हो गया है निजाम पर। भाई निजाम पे इल्जाम तो लगेगा ही ना। तो आप क्या कन्हैया कुमार के साथ है क्या? कन्हैया कुमार के भी साथ हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे कन्हैया कुमार के साथ? सपोर्ट किसको कर रहे हैं? एकदम कन्हैया कुमार का कर रहे हैं। कन्हैया कुमार यदि लड़ रहा है तो उसके साथ, यदि बीएचयू के विद्यार्थी लड़ेंगे तो उनके साथ भी हो जाएंगे। बनारस में
बनारस में, बनारस में तो कोई पता ही नहीं चला कौन लड़ रहा अभी बनारस में का वो जो स्टूजी कोलगेट सब हुआ वो सब का क्या हुआ कांग्रेस और लोग विश्वास करेंगे लेकिन मोदी का कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने सबसे कम बर्बादी कौन किया ये इस पर बवाल हो रहा है। मोदी ने किया, हमारे देश को बर्बाद मोदी ने किया है। अरे इसमें घुस जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा का मोदी जी तो बहुत सारे कैमरा लेके आएंगे ना हमारे सामने थोड़ी ना। भले मोदी जी यहाँ पर ना हो लेकिन उनके कई कैमरे आसपास है मोदी जी वाले पता चल जाता है ना। अब कौन किसका कैमरा हम लोग थोड़े ही जानते हैं। हम ही कौन है आप क्या पता क्या हम ही कौन है किसके आदमी है वही बात है ना। हम लोगों को तो मतलब एक एक पग पर डर लगता है कहीं डर लगता है चल कह रहे ऊपर नीचे डर लग रहा है तो काहे रैली वाली कर रहा है। रैली इसलिए नहीं तो काम नहीं है बेरोजगारी है क्या। बेरोजगारी तो है ही बेरोजगारी तो इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन तो पढ़ाई करने आए हैं कि नेतागिरी करने आए। पढ़ाई और नेतागिरी अलग अलग चीज होती है। एक ही होती है बिल्कुल। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कुछ करेंगे ना। क्या करेंगे नेतागिरी का मतलब होता है थाली बजाएंगे। थाली बजा के लोगों को सुनाया जा रहा है कि सुन लो देख लो मोदी ने क्या करके गए हैं और उनसे पहले भी जितने लोग रहे वो लोग क्या क्या किए हैं। क्या किए हैं बताइएगा हवा में बात होगा। हवा में क्या देख लीजिए नहीं ये देश में आजादी के 70 साल हो चुके हैं तथा कथित आजादी के और इसी देश में आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। एजुकेशन की स्थिति इतनी बुरी है। बुलेट ट्रेन चल रहा है क्या बात कर रहे हैं सैटेलाइट उड़ा दिए। तो बुलेट में मोदी जी और मोदी जी के चेले चपाटी उड़े ना। हम लोग को बुलेट नहीं चाहिए हम लोग को शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए। नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर हमको मिलता तो हम रोड पर थोड़ी होते शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होते। शिक्षा तो मिल ही रहा है ना B.H.U में कैसे पढ़ रहे। अरे तो मिल तो रहा है लेकिन जियो यूनिवर्सिटी में हमारे जैसे किसान परिवार से आने वाला थोड़ा ही पड़ेगा। आप किसान परिवार से हैं? बिल्कुल। मेरे घर से आप? मेरा घर यहीं पर बगल में है सोनभद्र में। क्या करते हैं पिताजी? अरे पिताजी मेरे खेती करते हैं छोटी नौकरी करते हैं प्राइवेट। और आप सोनभद्र जिला में बनारस से कितना दूर है? लगभग 70 किलोमीटर होगा मेरा घर यहाँ से। उठा के खर्च कर दिया जाता है
जितने भी ऊपर से नीचे तक कानून बने हैं, चाहे वो निर्भया कांड हुआ हो या उसके तमाम और जैसे उसके जैसे तमाम कांड जो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बनते हैं। अभी कल भागलपुर में एक छोटी बच्ची के साथ एसिड अटैक उसके घर में घुस कर किया गया। नहीं रुक रही है महिला हिंसा, नहीं रुक रहा है बेटियों का उत्पीड़न, नहीं रुक रहा है महिलाओं का दमन। और फिर भी हम इतने शांत और सुशील और सज्जन बने रहे कि आपके सामने आपकी आचार संहिता को ढोते हुए चुप बैठे रहे। आप आए, हमारा वोट लेकर सरकार बनाए और कानून लाए। थाने में आप देख लीजिए, आपको जो भी पुरुष मिलेंगे वो एफआईआर लिखने में या महिला थाना हो या आप जाकर के देख लीजिए परिवार न्यायालय का मामला हो, कहीं उनको न्याय नहीं मिलता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं काम कर रहा होता और सबसे खराब हालात में वहीं पे लोग बैठाए जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं है। तो ये हमें तैयारी रखनी चाहिए, इस देश में कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है तो उसके लिए उसके साथ खड़े होने की हमें तैयारी रखनी। कठुआ के लिए भी आवाज बुलंद की थी, हमने उन्नाव के लिए भी बुलंद की थी, हमने बलिया के लिए भी बुलंद की थी और हम अभी भागलपुर के लिए भी यहाँ बुलंद कर रहे हैं। हमें ये करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आधी आबादी के लिए लड़ाई लड़ सके। इस देश में बहुत सारे संगठन बन गए हैं, बहुत सारे विचारधारा के नाम पर और तमाम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हजारों लाखों संगठन है। महिलाओं के लिए कोई ऑप्शन बचता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बचता है। बस उनको यही तक सीमित रहना चाहिए, घर परिवार चलाना चाहिए, उसके बाद उनको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझ जैसी महिला को भी 40-45 साल की उम्र तक ये सुना दिया जाता है कि आपको क्या जरूरत है, अगर आपको करना है तो आप शुद्ध तरीके से चुनाव लड़ जाइए। आप क्यों ये सब बोलती है? तो ये जो जरूरत है अभी मुझे चलते ही वक्त यहाँ ऐसे साहब ने धमकी दी कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा आपके नाम एफआईआर होगा। मैंने कहा कर दो, एफआईआर ही करोगे और क्या करोगे। अच्छा है मुझे मौका मिलेगा इस देश की बेहतरीन जुडिशियरी को भी ये सुनाने के लिए जिसका मैं दुर्भाग्य से अभी हिस्सा हूँ, उसको भी सुना सकूंगी, बोल सकूंगी कि भैया तुम्हें आचार संहिता हमें पे लागू करनी है, तुम्हें आचार संहिता नहीं दिख रही है जो नमो टीवी चल रहा है यहाँ मुंबईया पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तुम्हें आचार संहिता नहीं दिख रही है कि बनारस के हर चौराहे पे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, कहाँ चली जाती है तुम्हारी ताकत, नहीं दिखाई देता है जब उठपटांग तरीके से कभी किसी महिला को बाहर वाला बोल दिया जाता है राजनीति में उतरने पर, कभी भी किसी भी महिला को राजनीतिक क्षेत्र में आई हुई का उसका कपड़ा भी उतार दिया गया हो पब्लिक में, ये बताइए कहाँ पर जाता है चुनाव आयोग, कहाँ पर जाती है आचार संहिता, क्यों मुंह पे कोई लगाम ही नहीं है, जुबान पे लगाम नहीं है जब जब भी महिला की बात आती है। तो के बीच में हमारी कुछ सहेलियां हैं, हमारे अभिभावक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मौजूदा सरकार से के रहने के दौरान अगर हम कोई लड़ाई कर रहे हैं तो हम सरकार से ही कर रहे हैं। हाँ कर भी रहे हैं क्योंकि अगर हम सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, बकौल सरकार के हम पाकिस्तान से अपने अधिकार मांगने जाएंगे या अमेरिका से अपने अधिकार मांगेंगे, हम अपनी सरकार से अपने अधिकार मांगेंगे, अपनी समाज से अपने अधिकार मांगेंगे, अपने घर से अपने अधिकार मांगेंगे, अपनी दहलीज तोड़ के निकलेंगे अपने अधिकारों के लिए। अगर लड़ेंगे ही नहीं तो जीत का सपना भी अधूरा रहेगा, जीत की आशा भी अधूरी रहेगी, तो लड़ना जरूरी है, निकलना जरूरी है, आवाज को बुलंद करना जरूरी है क्योंकि तू बोलेगी तू खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा और हम बदलेंगे जमाने को, हम मुट्ठी भर के लोग सही लेकिन जमाना बदलने की समाज को गढ़ने की ताकत, जैसे जागृति जी ने कहा कि हमें समाज गढ़ना आता। पर ये इनको पता होना चाहिए कि आज हम 18 साल के ऊपर की महिलाएं हैं और हम वोट दे सकते हैं, अगर तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कब निकलना है और कब नहीं निकलना है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है क्या पहनना है, किसके साथ बात करना है या नहीं करना है। इसके लिए हमें किसी और की मदद या किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये भारत वही भारत है ना जहाँ एक बाप के किए हुए वादे पे एक लड़का 14 साल के लिए जेल जंगल जाता है, तो हम ये कैसे मान ले कि उस बाप के कहने पे लड़के और उसकी बेटी उसकी बहन और तमाम लोगों का वोट किसी के पक्ष में पड़ेगा या विपक्ष में पड़ेगा, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसी देश में जो लोग 9,20,000 से वोट जीत करके गए हैं उन लोगों ने आस्था को लागू करने की वकालत की है और वो लोग जो मात्र
12-13 साल के अनशन के बाद 92 वोट पाई इरोम सर मिला, उन्होंने इसके मुखालफत की। तो आप देखिए कि ये 52 वोट नहीं है, ये डिस्कोर्स है कि एक 52 वोट पाने वाली महिला ये डिस्कोर्स खड़ा कर दे रही है कि ये आसपा होगा या नहीं, इस पर पूरा देश बात कर रहा है। हम पूरी तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी मैनिफेस्टो आए उनमें ये लिखित है कि हम 33% आरक्षण देने के पक्ष में है महिलाओं। हम इस बात की राजनीति करते हैं कि हर पार्टी का अध्यक्ष अपने मंच से हर भाषण में ये घोषणा करे कि हम वो तमाम मांगे करते हैं जो महिलाओं के हित में। आप बताइए इस देश में जब 70 साल के लोकतंत्र के बाद 17वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस 17वीं लोकसभा में जिसका बजट कल के टीवी में दिखाया जा रहा था कि 50,000 करोड़ है, उस बजट में महिलाओं का मुद्दा कहाँ है? एक मुद्दा है उज्ज्वला गैस योजना, जहाँ पर पूरा डिस्कोर्स है कि एक पूरी की पूरी कौम को जहाँ एक तरफ बांध दिया गया चूल्हे में, हम चाहते हैं कि उसकी वो आइडेंटिटी खत्म की जाए, उसको वो तमाम आइडेंटिटी दी जाए जो इस समाज में ये मौजूद है। फिर भी लोग उस उज्ज्वला पर बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरा डिस्कोर्स हम खड़ा करना चाहते हैं कि हम इस डिस्कोर्स के खिलाफ है कि औरत केवल खाना बनाने के लिए, हम इस डिस्कोर्स के खिलाफ। कभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी गैस योजना, ये उज्ज्वला योजना क्या है? आप किसी महिला के नाम पे ऐसी योजनाएं क्यों रखते हैं? नरेंद्र मोदी योजना रखते हैं, मुरली मनोहर गैस योजना रखते हैं, अटल बिहारी गैस योजना रखते हैं, ये एक मानसिकता का ही परिणाम है और किसी चीज का परिणाम ये परिणाम नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं। और इन सारी समस्याओं के बाद अगर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि कहां पैट्रियार्की है, मतलब हमको एक आदमी दिखता है जो किसी मंच से खड़े होकर के, किसी बड़े पार्टी के मंच से खड़े होकर के किसी महिला के ऊपर अभद्र, मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, अभद्र भाषा का ये प्रयोग करता है, उसका चेहरा तो हमें पता है, लेकिन उस भीड़ का चेहरा कहाँ से देखें जो ये बोलने के बाद नीचे से हु का नारा लगा रहे हैं, उसके प्रति आदमी कहाँ से जाना? कोई कानून कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जो आदमी वहां से बोल रहा है, मतलब प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है 50 करोड़ की गवर्नमेंट और नीचे की जनता का गधा किए जा रहे हैं, मतलब उसका कोई बोल नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किसके प्रति क्या चीज है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब औरतें सड़क पर उतरी हैं तब तक उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है और अपना हक पाया है, चाहे वो 1848 से शुरू हुआ वुमेन सफरेज मूवमेंट हो जिसकी वजह से 1920 में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला, चाहे वो सावित्री बाई फुले का संघर्ष हो जिसके बाद औरतों की शिक्षा पे इतना काम हुआ भारत में, चाहे वो 23 सितंबर 2017 का वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आंदोलन हो जिसके बाद पूरे विश्वविद्यालय का नारे भी बदल गया। हमें मानना होगा कि हमको सड़क पर उतरना ही होगा और उतरना होगा अलग अलग मुद्दों के लिए। मुझे याद है कि जब से मैं क्लास में सिविक्स की बुक पढ़ रही हूँ क्लास 6 से, तब से वुमेन औरतों के मुद्दे पे या औरतों के अधिकारों को चुनावी मैनिफेस्टो में दर्ज कराने में सिर्फ एक ही बात होती है, 33% आरक्षण। हाँ, 33% आरक्षण इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, अलग अलग संस्थानों में जरूरी है, लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका सरकारी जिनका चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में और सरकार की पॉलिसीज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा मैरिटल रेप, अभी तक भारत ने मैरिटल रेप को कोई मुद्दा ही नहीं माना है। शादी के बाद आपका जो पति है वो आपसे बलात्कार नहीं कर सकता है, इस बलात्कार नहीं कर सकता है ऐसा माना गया, ये धारणा ही नहीं है कि शादी के बाद कोई पुरुष द्वारा सेक्सुअली कोई पति अब्यूज की जा सकती है। तो सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए इस समय मैरिटल रेप को लीगल ऑफेंस करार देना चाहिए और इसको इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। दूसरा सैनिटरी नैपकिन को आज भी लग्जरी गुड्स में गिना जाता है और इसको टैक्स भी नहीं किया गया है, जबकि पीरियड जिसको आज भी भारतीय समाज में टैबू माना जाता है उसमें बात नहीं होती है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है सैनिटरी नैपकिन, और सैनिटरी नैपकिन को टैक्स फ्री करना, उसको सस्ते से सस्ते दाम में मुहैया कराना आज की महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। 80 के दशक में नारीवाद का मजाक उड़ाया जा रहा था और अभी भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या परिवर्तन आया?
अगर कोई कहता है कि तुम इस सरकार में क्यों खड़ी हुई, तो उस सरकार में कौन, हमें उससे भी सवाल करना है, हमें इससे भी सवाल करना है। तुम्हारा प्रेम जैसे गन्नों की सब्सिडी, तुम्हारा प्रेम जैसे गन्नों की सब्सिडी, मेरी कविता तो बेबस किसान है। तुम्हारा प्रेम जैसे बेरोजगारी भत्ता, मेरी कविता बूढ़ी आंखों का अरमान है। तुम्हारा प्रेम जैसे कोई नया कानून, तुम्हारा प्रेम जैसे कोई नया कानून, मेरी कविता तो बस जांच पड़ताल है। तुम्हारा प्रेम जैसे लाठी चार्ज, मेरी कविता तो भूख हड़ताल है। नहीं, कोई भी काम नहीं होगा आचार संहिता में आप अनुमत के रास्ते दिए गए हैं, फॉलो करना चाहिए। कौन मना करता है? चुनावी एजेंडे को लेके मार्च है, मेरी बात हमारी बात आप सुन तो लीजिए। आप पूछते हैं ना तो वही बता रहे हैं। चुनावी एजेंडे को लेके महिलाओं का एक मार्च है, यहाँ तक हुआ है, चलिए तुम्हारा प्रेम जैसे गन्नों की सब्सिडी, मेरी कविता का बेबस किसान है। तुम्हारा प्रेम जैसे बेरोजगारी भत्ता, मेरी कविता बूढ़ी आंखों का अरमान है। तुम्हारा प्रेम जैसे कोई नया कानून, मेरी कविता का बस जांच पड़ताल है। तुम्हारा प्रेम जैसे लाठी चार्ज, मेरी कविता तो भूख हड़ताल है। तुम्हारा प्रेम जैसे बिन मांगा दहेज, तुम्हारा प्रेम जैसे बिन मांगा दहेज, मेरी कविता तो नई दुल्हन है। तुम्हारा प्रेम जैसे सख्त बाप, मेरी कविता तो बस बेटी की उलझन है। सुनो तुम अब भी समझ जाओ, सुनो तुम अब भी समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रेम और मेरी कविता के बीच अगर कुछ है तो वो क्रांति। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तन, लंबी डगर है पर हिम्मत है सन, पांव पे छाने हैं सांसें ये बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें हो गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए बंद, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज बुलंद, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ मरहम